अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ कि अगर आप वूकॉमर्स में कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, यानी ऐड टू कार्ट करते हुए आप जो मैसेज शो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको चेंज करके अपनी तरह अपना कोई कस्टम मैसेज शो करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं आपके लिए एक हुक लाया हूँ जिसको आप यूज़ करते हुए कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस वक्त ये फंक्शन है, ये एक फ़िल्टर है, फ़िल्टर का नेम है ऐड टू कार्ट मैसेज। इसको आप यूज़ करते हुए आप किसी भी पोस्ट के को कस्टम मैसेज, आप जो भी आपको अगर कोई लाइन देता है कि आपने ये मैसेज हमारा शो करवाना है, तो आप वो शो करवा सकते हैं। तो इससे पहले हम, तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ मैं आपके लिए लाता हूँ एक नई अपडेट, नई फंक्शन, नई फ़िल्टर जो वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और आप उसको यूज़ करके अपने क्लाइंट की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट की नीड पूरी कर सकते हैं। तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर राय दें। तो स्टार्ट करते हैं। इस ये एक हुक है जो एक बाई डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर है हमारे पास। अप्लाई फ़िल्टर हम करते हैं, ये फ़िल्टर का नाम है। अब हम कस्टम कोई भी फंक्शन बना के, हमने ये फंक्शन बनाया है हैंडलर फंक्शन नेम। इस आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको दे देता हूँ सियाल फंक्शन नेम। सियाल फंक्शन नेम देने के बाद आप यहाँ पे उसका नेम चेंज कर देंगे, ये हमारा एक फंक्शन नेम बन गया। फंक्शन में दो पैरामीटर हमने पास किए, एक मैसेज का पैरामीटर, एक प्रोडक्ट आईडी। जो हमारी प्रोडक्ट आईडी, वो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी गेट करेगा, और ये मैसेज हम जो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये मैसेज वहाँ पे शो करवा देगा। थैंक यू फॉर एडिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थैंक यू फॉर एडिंग प्रोडक्ट इन कार्ट। ये लिखने के बाद अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी शो करवाना चाहते हैं या प्रोडक्ट की आईडी शो करवाना चाहते हैं, तो आप ये ऐसे लिखेंगे। तो कंट्रोल सेव करते हैं। कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं अपनी साइट पर विज़िट करूं, तो कोई भी प्रोडक्ट हम जब उसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो इस तरह का ये मैसेज शो होना चाहिए। फर्ज करें मैं इस प्रोडक्ट को सिंगल इसको विज़िट करता हूं। विज़िट करने के बाद मैं यहां पे हमने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे इसका मैसेज शो होगा, वो मैसेज देखते हैं कौन सा है। ये नहीं, थैंक यू फॉर एडिंग प्रोडक्ट इन कार्ट, और हमने भी यही सेम लिखा था थैंक यू फॉर एडिंग प्रोडक्ट इन कार्ट और प्रोडक्ट आईडी, जो कि ये प्रोडक्ट आईडी शो हो रही है, और प्रोडक्ट आईडी हमारे पास इस वक्त है। ये एडिट करें तो एडिट करने पर ये स्क्रीन के नीचे, सबसे नीचे ये शो हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी भी सेम गेट कर रहा है। तो इस तरह आप ऐड टू कार्ट वाला ऐड फिल्टर लगा के ऐड टू कार्ट वाला मैसेज अपनी मर्जी से शो करवा सकते हैं, बता सकते हैं, और इसी तरह ऐड टू कार्ट का ये स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, तो हम इसको इसको एच टी एम एल टैग में इंटर कर लेते हैं H3, और इसका क्लास नेम दे देते हैं क्लास नेम कोई भी दे सकते हैं हम। और यहाँ पे HTML को क्लोज करते हैं, HTML3 इज क्लोजिंग नाउ। HTML3 को क्लोज किया। अब अगर हम विजिट करें यहाँ पे, तो इस वक्त ये HTML3 में हमारा मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। ये देखें, ये HTML3 में हमारा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, और हमने जो HTML को क्लास दी हुई है वो भी इसमें शो हो रही है HTML मार्क। अगर हम यहाँ पे इसको कस्टम स्टाइल दें तो हम स्टाइल भी दे सकते हैं, बॉर्डर सॉलिड, ऐश,
पिक्सल और इसके बाद अगर हम इसको पैनिंग पैनिंग दें तो डार्क पिक्सल कलर ग्रीन और फ़ॉन्ट मैसेज बॉक्स। और इसी तरह आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। तो ये कस्टमर के स्टाइल के भी मुताबिक आप अपना स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। वीडियोज़ पसंद आई होगी और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो हमारी वेबसाइट WP Accuracy पे भी विज़िट करके हमसे वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।